शासकीय स्कूलों में बच्चे व शिक्षकों को डिजिटल माध्यम से परीक्षण देने वाले समन्वयकों ने अपने 3 माह से वेतन नहीं दिए जाने की गुहार लगाई। दुर्ग जिला अंतर्गत सभी शासकीय स्कूलों में ICT लैब एवं डिजिटल क्लासरूम के संचालन के लिए प्राइवेट कंपनी द्वारा स्कूल समन्वयकों की नियुक्ति की गई है, जिसमें कार्यरत लगभग 100 से अधिक महिला व पुरुष शामिल हैं, जिन्हें 3 माह से वेतन नहीं दिया गया है। इसी कड़ी में मंगलवार को बड़ी संख्या में दुर्ग स्थित सहायक जिला परियोजना अधिकारी के कार्यालय पहुंचकर सभी ने वेतन देने गुहार लगाई और उपस्थित अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में उपस्थित समन्वयकों ने अपनी पीड़ा बताई। मैं ICT लैब के तहत स्कूल कोऑर्डिनेटर के नाम से जाने जाते हैं और हम लोग को विगत 3 माह से हम लोग को वेतन नहीं दिया गया है, तो हम लोग समग्र शिक्षा में आए हैं और यहाँ सर जी से मुलाकात किए हैं, तो सर जी ने आश्वासन दिया है कि हम लोग को राज्य स्तर पर हम लोग का समस्या का निराकरण करने के लिए बैठक में बात करेंगे करके, तो उसी के लिए ज्ञापन देने के लिए हम लोग जिला कार्यालय में आए। किस तरह का काम रहता है आप लोगों का? हम लोग वहाँ पर सर कोऑर्डिनेट करने का ही काम रहता है हम लोग का स्कूल में। क्या कोऑर्डिनेट करते हो, किस विषय में? कंप्यूटर वहाँ पर 5 लैपटॉप दिए गए हैं और 15 थिंक लाइन के तहत हम लोग को कंप्यूटर दिया गया है। उसी के तहत हम लैब के माध्यम से बच्चों लोग को डिजिटल क्लासरूम के तहत हम लोग उनको पढ़ाई करवाते हैं। सैलरी मिला था आप लोगों को? कब से नहीं मिला? हम लोग को अक्टूबर से अभी तक का सैलरी नहीं मिला हुआ है। किस प्रकार का परेशानी का सामना करना पड़ा? बहुत परेशानी हो रहा है सर, आने जाने में, पेट्रोलिंग वगैरह डालने में दिक्कत होता है, घर परिवार चलाने में दिक्कत हो रहा है। अभी क्या चाहते हैं? क्या चीज़ अभी क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि सर कि 3 महीने का हम लोग का सैलरी मिल जाए। सर हमारा ये ICT लैब के तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं, जो प्रोजेक्टर और बच्चों को अभी जो डिजिटल शिक्षा देना है उसके माध्यम से हम लोग पढ़ाई करवा रहे हैं। पर सर 3 मंथ हो गए हैं हम लोग को, आज तक एक सैलरी मिला, फिर उसके बाद फिर 3 मंथ तक रोक दिया गया, 3 महीने से अभी पेमेंट नहीं मिला है हम लोग को। और लास्ट कोरोना काल के पहले हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, फिर उस समय हम लोग को बिना बताए एक ईमेल भेज दिया गया और कि आप ना आइए, आपका काम बंद कराया गया है। हम लोग ने बंद कर दिया, हम लोग ने हड़ताल किया, फिर उसके बाद फिर से कई जने को निकाल दिया गया। अब फिर सैलरी नहीं दे रहे सर, फिर प्रॉब्लम है। क्या बोलते हैं सैलरी के लोग? सर कोई रिप्लाई नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं है। आप लोग पूरे छत्तीसगढ़ से है सर, दुर्ग जिले से 99 है। किस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ा सर? बहुत परेशानी है, जाने आने में बहुत दिक्कत है। अब सबका स्कूल दूर है, घर के पास तो है नहीं सर, स्कूल दूर है, सबको आना जाना, पेट्रोल खर्चा सब लगता है सर। क्या चाहते हैं? और सर पेमेंट इतना कम है, जो न्यूनतम पेमेंट निर्धारित किया गया है छत्तीसगढ़ में, उसमें भी हमें बहुत कम पेमेंट मिल रहा है सर। हमको विगत 3 महीने से अभी सैलरी नहीं मिली है, तो इस ये हमारी मांगे हैं। एंड क्या सर प्रॉब्लम हो रही है जब सैलरी नहीं मिल रही है? क्योंकि हमको ऑफिस का काम भी कराया जा रहा है, प्लस टीचरों के साथ हमको उनका सहयोग भी करना पड़ता है, तो सर जब सैलरी सही टाइम पे मिल नहीं रही है तो प्रॉब्लम हो रहा है हमको। और सर हम ये चाहते हैं हमको टाइम पे सैलरी मिले। कि ICT जो लैब हमारे विद्यालयों में संचालित हैं उसके व्यवस्थापन के लिए राज्य सरकार प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से इंस्ट्रक्टर्स की नियुक्ति करती है। ये वो इंस्ट्रक्टर हैं जो हमारे विद्यालयों में ICT लैब का संचालन करते हैं। जैसे कि इनसे ही हमें पता चला है कि विगत 3 माह से इनको वेतन ना प्राप्त है। कारण क्या है ये अभी मुझे ज्ञात नहीं है। निश्चित तौर पर इनकी वाजिब मांगों को हम राज्य स्तर पर लेकर जा रहे हैं और वहाँ से जो भी समाधान प्राप्त होगा वो हम इनको अवगत कराएंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।